हो हर औरत के, तुमन जीतो या हारो, तुम्हार लड़का मन तुम्हार कहानी ला बड़ा घमंड के साथ सुनाई। हम भी कुछ आगे बढ़ के ये सब देख के करना चाहते हैं। ये बहुत ही नयापन लिया हुआ है। एक तो छत्तीसगढ़ी जो खेल है, कबड्डी भी हमारा खेल है, उसको एक महत्वपूर्ण दिया गया है और महिलाओं को इसमें महत्व दिया गया है। इस पिक्चर को महिला लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया मूवी है। दिलीप ताम्रकार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं तपन सारी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कबड्डी मूवी बहुत अच्छी मूवी है। ये एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। इनके जो डायरेक्टर ने हैं, डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस फिल्म में वर्क किया हुआ है और बाकी जितने भी लोग हैं बहुत हिम्मत करके और इतना पूरे कबड्डी के बारे में इस फिल्म में इसको दर्शाया गया है। तो प्लीज़ आप सभी जितने भी हैं कलाकार हैं, जितने भी महिलाएं हैं, सब इस मूवी को आए और इस मूवी का बिल्कुल आनंद लें। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा मैसेज है। तो आप भी इस मूवी से बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपायर होंगी, आप सीखने को मिलेंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है जी, कई ज़माने के बाद में इस टाइप की फिल्म देखने के लिए मिली है। और काफ़ी इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे कलाकारों को पहली बार मतलब ऐसा देखने मिल रहा है, इतना आलिशान तामझाम। चलो बढ़िया भैया। कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन कहना मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ के लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएँ, क्योंकि अपनापन नहीं है, छत्तीसगढ़ का परिवेश नहीं है। छत्तीसगढ़ की भाषा का इस्तेमाल किया जरूर गया है, लेकिन पूर्णतः ये हिंदी परिवेश की फिल्म है। और कॉन्सेप्ट अच्छा है, फिल्म भी बहुत अच्छी है, निर्देशन भी बहुत अच्छा है। शुरुआत के कुछ समय थोड़े से कन्फ्यूज़न भरे रहते ज़रूर है, लेकिन उसके बाद फिल्म अपनी गति पकड़ती है और पकड़ बनाए रखती है। दर्शक अगर फिल्म से एक बार जुड़ गई तो निस्संदेह अंतिम क्षणों तक रोमांच है फिल्म में और आनंद आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद दर्शकों को ये फिल्म पसंद आ जाए।